खरगोन शहर के डीआरपी लाइन खेल मैदान में सोमवार से ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। डीआईजी तिलक सिंह, एसपी धर्मवीर सिंह, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने खेलों से जुड़ने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सोमवार को ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया गया। समारोह में डीआईजी ने कहा कि अच्छा खेलने और पढ़ने वाले कभी असफल नहीं होते। खेलों से तालमेल और संयम बनाए रखने की सीख जीवन भर काम आती है। कलेक्टर ने कहा कि यह पुलिस विभाग की सराहनीय पहल है। यहां आपको जिस खेल में रुचि है उसमें प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। एसपी ने कहा, यह खुशी की बात है, शिविर में 170 बच्चों ने पंजीयन कराया है। यहां आपको शिविर में 14 विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके वरिष्ठ खिलाड़ियों और कोच आपको खेल की बारीकियां सिखाएंगे, जिससे आपके खेल में निखार होगा। आयोजन के दौरान अतिथियों ने भी मैदान में फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में हाथ आजमाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। बहुत अच्छा अवसर मिला है। यदि आप खेल कूद के ऐसे अवसर गंवा देंगे तो फिर आपको आगे चल के किसी खेलकूद की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं रहती है। फिर आप सिर्फ पढ़ने लिखने में लग जाते हैं या दूसरे कामों में लग जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि यदि यहाँ नहीं आएंगे सुबह सुबह खेलने तो क्या करते हैं घर में? टीवी देखते होंगे, मोबाइल में लगे रहते होंगे, गप मारते होंगे। गप तो यहाँ भी मार रहे थे बच्चे अभी, है ना। थोड़ा सा चुप रहने की आदत, जब कहीं बच्चे जाते हैं थोड़ा सा चुप रहने की आदत, सुनने की आदत डालनी चाहिए। और जब यहाँ आप खेलने आएंगे तो यहाँ मस्ती ज़्यादा मत करिएगा। जो सिखाएंगे कोच वो जरूर सीखिए, सुनिए, है ना, तब जाके वो अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ भी आके अगर ऐसे ही गप मारेंगे, कोने में जाके बैठ जाएंगे, किसी के साथ में मस्ती करेंगे, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, फिर वैसे ही रहेगा आपका काम। और मैं अक्सर बच्चों के बीच में कहता रहता हूँ कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और खेलते हैं कोई ना कोई खेल, वो बच्चे कभी ना थाने जाते ना जाते जेल, है ना, और जिंदगी की हर परीक्षा में पास होते हैं। ऐसे बच्चे जिंदगी की हर परीक्षा में पास होते हैं, कभी होते नहीं फेल, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, क्योंकि हर किसी से बना के रखते हैं तालमेल। तो जो खेलता है बच्चा ना, वो 100 बच्चों से मिलोगे आप, 150 बच्चों से मिलोगे तो आपकी एक तालमेल बनाने की आदत हो जाती है, दोस्ती करने की आदत हो जाती है, तो वो झगड़ा भी नहीं होता कभी। तो जो पढ़ता है और खेलता है वो आगे जरूर बढ़ता है। और ये जब बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, सुबह सुबह की लगती है उनको धूप, तभी जाके निखरता है उनका रूप, है ना। ऐसा नहीं कि टीम लगा के बैठे रहोगे तो गोरे हो जाओगे। आपको धूप में निकलना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे बनोगे। एक चीज़ और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बच्चा चाहे बाहर हो या घर हो, उसके मन में ना कोई भय हो ना डर हो, यदि उसके मन में कुछ हो तो सिर्फ भारत माता की जय हो। आपके पास कुछ समय होता है जब अपने दूसरी जो टैलेंट है उनमें हम लोग काम कर पाए। बच्चों की इच्छा होती है अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमने करीब करीब 14 स्पोर्ट्स में ये कोशिश की है कि बच्चों को बेसिक्स, एक महीने में बेसिक उसकी और ट्रिक है उनको सिखा पाए। बच्चे अपने घरों से निकल के कम ग्राउंड में आए, ग्राउंड में थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। पूरे महीने इस पूरे कार्यक्रम की बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। पुलिस परिवारों के लगभग अलग अलग एज ग्रुप में 170 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के इन ग्रीष्मकालीन शिविर में भागीदारी करने की इच्छा प्रकट की है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि हमारे विभाग के मुखिया, हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब लगातार ये पूरी पहल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये प्रयास सफल हो और एक महीने में बच्चों को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएँ जिसमें बच्चों में न केवल खेल के प्रति रुचि पैदा होगी बल्कि एक बार खेलों से जुड़ेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे ज़िले के जो इन खेलों के अलग अलग खेलों के जुड़े हुए जो प्रतिष्ठित कोच हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी की है और लंबे समय से खरगोन जिले के बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट में मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपको टाइम यहाँ देंगे और आपको गाइड करके लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। की शुरुआत हुई है, इस बार क्या कुछ नया किया जा रहा है?
मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डीजी साहब के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस परिवार के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ 170 बच्चों ने अपना पुलिस परिवार के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 14 जो खेल हैं उसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। और नया यही है कि ये पुलिस परिवार के बच्चे पहले दूसरे शिविरों में शामिल हो जाते थे, इस बार इनके लिए सेपरेट रखा गया है कि सिर्फ पुलिस परिवार के बच्चे ही आएंगे और उनके लिए पृथक से हर खेल के लिए एक कोच रखा गया है, एक एक अधिकारी रखा गया है। तो नियमित रूप से उनको ये सिखलाई होगी और निश्चित तौर से बच्चे सीखेंगे तो बुराइयों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ने लिखने में उनका मन लगेगा। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है माननीय डीजी साहब के निर्देश पर। 14 प्रकार की गतिविधियों का इस ग्राउंड में है और बाकी में ये बहुत सराहनीय पहल है। एक दिन जो बीसी चले थी उसमें बीसी में भी आपके साथ में था, डीजीपी साहब ने पूरे प्रदेश में एक अभिनव पहल प्रारंभ की है और बाकी में ये पुलिस परिवार के बच्चों के लिए एक अच्छी उपलब्धि भी है। खेल हमेशा जिंदगी का एक अभिन्न अंग रहते हैं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई गतिविधि में शामिल हमेशा रहना चाहिए। गर्मियों में छुट्टी होती है तो बच्चे अक्सर लोग अपना टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, इस टाइम का सही सदुपयोग करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका भी है, आगे बढ़ने का मौका भी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कोच हैं जो नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं वो भी आपको उपलब्ध रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस खेल के माध्यम से आगे अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और आगे बढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा। मैं आपको इसकी शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।